चलिए तो राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव से एक दिन पूर्व झारखंड में फिर से ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। और आपको बता दें कि बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में ये छापेमारी चल रही है। घुसपैठ से संबंधित दर्ज केस से जुड़े मामले में ये ईडी की रेड हुई है। घुसपैठ से संबंधित बारियातू थाने में एक केस दर्ज हुआ था और इसी केस के मामले में यह कार्रवाई जो है वो हो रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हो रही है। चुनाव से एक दिन पूर्व झारखंड में ईडी की रेड फिर से देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि 13 नवंबर को यानी कि कल झारखंड में पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन मतदान से ठीक पहले, ठीक एक दिन पूर्व झारखंड में फिर से ईडी की टीम एक्टिव है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के 17 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला बताया जा रहा है। घुसपैठ से संबंधित बारियातू थाने में एक केस दर्ज हुआ था और उस मामले में यह कार्रवाई हो रही है। और 17 ठिकाने ऐसे हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल के जिन ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। देसी घुसपैठ से जुड़े मामले में झारखंड में ईडी की दबिश देखने को मिल रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के 17 ठिकानों पर ईडी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि राजधानी रांची के बारियातू थाने में घुसपैठ मामले को लेकर एक केस दर्ज किया गया था और इसी दर्ज केस से संबंधित मामले में यह कार्रवाई की जा रही है। घुसपैठ से जुड़ा हुआ यह मामला माना जा रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में यह कार्रवाई हो रही है। देखिए, चुनाव से एक दिन पूर्व चुनाव होने हैं, 13 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और उससे ठीक एक दिन पहले यह बड़ी कार्रवाई ईडी की कह सकते हैं कि राज्य में देखने को मिल रही है। झारखंड और पश्चिम बंगाल में 17 ऐसे ठिकाने हैं जिन ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी है। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में यह कार्रवाई चल रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज है फोनलाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, चुनाव से एक दिन पूर्व देखिए ईडी की फिर से दबिश देखने को मिल रही है। नीरज, बताया जा रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मामले में ये कार्रवाई हो रही है, क्या है पूरा अपडेट? देखिए, अगले सुबह झारखंड के कई जिलों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जो है ईडी ने एक साथ दबिश दी है और दबिश देते हुए बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी नागरिक है वो झारखंड में या फिर पश्चिम बंगाल में शरण लेते थे और कहीं ना कहीं इसके पीछे मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा था और इसी को लेकर जो है विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रांची के भी कई जगह पर छापेमारी हो रही है, साथ ही रांची कई होटलों में जो है ईडी की टीम पहुंची हुई है, क्योंकि होटल में ये जो बांग्लादेशी घुसपैठ कथित तौर पर जो कहा जा रहा है वो शरण लेते हैं और गलत तरीके से दस्तावेज बनाते हैं और भारत की या फिर झारखंड में रहते हुए जो है नागरिकता ले लेते हैं, तो इसी मामले में कार्रवाई चल रही है। बता दूं कि जून महीने में बात करूं तो 4 जून को बरियातू रांची के बरियातू थाना में एक मामला दर्ज किया गया था घुसपैठ को लेकर। इसमें ये कहा गया था कि 3 लड़कियां बरामद किए थे जब रांची पुलिस ने छापेमारी की थी। हिलवे रोड स्थित एक बाली रिजोर्ट था जहां पर 3 महिलाएं बरामद मिली थी और पता चला था कि वो बांग्लादेशी थी और गलत तरीके से, अवैध तरीके से उन्हें यहाँ पर लाया गया था। और इसी को लेकर जो है ईडी बाद में एफआईआर दर्ज करती है और मामले की जांच आगे बढ़ती है और इसी बीच जो है अब ईडी की टीम ने छापेमारी की है और छापेमारी में हो सकता है कि कई खुलासे हो। और क्योंकि देखिए चुनाव का समय भी है और एक दिन पूर्व जो है ईडी ने दबिश दी है, तो आपने देखा हो कई राजनीतिक पार्टियां जो है इसको जो है मुद्दा के रूप में जो है तैयार करते हुए नजर आए। एक राजनीतिक मुद्दा जो था चुनाव में ये बनकर उभरा था और इसी बीच जब ईडी की छापेमारी चल रही है तो हो सकता है कि ये अगर कुछ निकलता है तो और भी, क्योंकि सेकंड फेज का चुनाव भी बाकी है, तो सेकंड फेज में भी जो है ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। देखने वाली बात होगी नवीन क्या कुछ बरामद होता है आज की छापेमारी। चलिए, तो छापेमारी में क्या कुछ सामने आता है, क्या नए खुलासे होते हैं, इन तमाम चीजों पर नजरें हमारी बनी रहेंगी। बहुत बहुत फिलहाल आपका धन्यवाद नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए।